ओके मैम, आपका ऑस्ट्रेलियन दोस्त भूमिल पलान और आज आपको कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे नहीं कर रहा हूँ। और कौन सा अगर आपको देखना है तो इधर इसका पर्सपेक्टिव देख लो, मैंने किस पे इसको चढ़ा के रखा है ये देख लो। ये हमारा सैमसंग का मोबाइल है तो उसमें मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। सो, आज का हमारा टॉपिक है Q&A, जो कि मेरे को नहीं लगा था क्योंकि 222 सब्सक्राइबर है, ठीक है, 222। तो उसमें से मेरे को तो नहीं लगा था, सच्ची में नहीं लगा था कि किसी को इतने सवाल होंगे मेरे से, जो कि ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला सवाल पूछा गया है आदित्य भाई से, हाउ वॉज द फैकल्टी सिस्टम देयर एंड देयर इज इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑफकोर्स इधर मेरे नए स्कूल की बात चल रही है तो इक्वालिटी की बात करते हैं। तो फैकल्टी सिस्टम में जीरो पे आती है क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी फैकल्टी सिस्टम है नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में तो इनइक्वालिटी होती है हमारे साथ में, डिस्क्रिमिनेशन तो ज़्यादा ही होता है, किसी को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो किसी को कम ग्रेज मार्क्स, किसी को देते तो नहीं देते, लेकिन ऐसे ही है। तो दूसरा सवाल, जो कि दूसरा सवाल है हमको आदित्य भाई ने पूछा है कि ब्रो विच कंपनी पेन यू आर यूजिंग, भाई तेरे को थोड़ा क्या मैं आना है क्या? तो बताता हूँ कौन से यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ यूनोमैक्स की, ठीक है, कसम से मैंने बड़ा वाला पाउच ले रखा है। पता है क्या करता हूँ, दो पेन ले जाता हूँ, उन दोनों को इधर जो स्कूल की एसी वाली पॉकेट होती है ना उसमें डालकर मैं ले जाता हूँ। वो पाउच मैंने यूज भी नहीं किया, सच्ची बोल रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा गया है इंस्टाग्राम की पोस्ट से, जी हाँ, पूछा गया है बाई एक है भाविक 9352 करके, ये मेरा दोस्त है जो मुझे पता है कि व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल। ओके, सो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है नवरात्रि, और नवरात्रि मेरा फेवरेट फेस्टिवल क्यों है वो तो आप सब लोगों को होगा, तो जिन जिन को पता चल गया वो लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्यों नवरात्रि मेरा ज्यादा फेवरेट फेस्टिवल है। सो ये भी हमको पूछा गया इंस्टाग्राम के पोस्ट में। तो निंजा 07 ये भी मेरा दोस्त ही है, जो कि अजीम नहीं, उसका हम नाम नहीं रिवील करेंगे। तो उसमें उसने पूछा गया पुरानी स्कूल में क्रश कौन थी, मतलब मेरी पुरानी स्कूल में क्रश, पहली बात तो ये क्रश हो तो कौन है, इकोन हो गए ही क्रश तो कुचड़ रहने का होता है। हाँ, बहुत लोगों को कुचड़ा है हमने, तो मार मार के धो डाला है, और फिर हमको पता भी हमको पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी पहले वाले से सिमिलर है तो इसको थोड़ा सा जल्दी निपटाते हैं। और वो पूछा गया मोदी मनन ने, जो कि योर क्रश नेम, अब इसमें नाम क्या होता है, एक ही होता है, मुंह पे घुसन या फिर पूरी की पूरी बॉडी की तुल है। और फिर हमको पता चला है कि एक और सवाल अभी हमारा बच रहा है, और वो है प्रथम बोड़ा की तरफ से, जो कि है 7373, मतलब प्रथम बोड़ा 7373 अकाउंट का नाम है। उसमें लिखा गया है फैमिली ब्लॉग, ब्रो मैंने फैमिली ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा की गई है, बहुत ही ज़्यादा की है, लेकिन डिटेल्ड नहीं किया है। तो जी हाँ, जल्दी लाऊंगा फैमिली ब्लॉग। एंड फिर हमको पूछा गया है एक ऐसे बंदे से जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बंदा है, जी हाँ, आप सब लोगों को इसका नाम पता है 8777। ये आदमी, हु आर यू, मैं कौन हूँ, मैं वो दरवाजा हूँ, दया बन के ठोक दे मुझे, चल। तो ये हमको सवाल पूछा गया है हमारे एक दोस्त की तरफ से, जो कि है कृषाल बरोचिया करके, उसने पूछा है आर यू हैविंग CW कंप्लीट ऑफ स्कूल। मैं ना PDF डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो सब डाउनलोड करके तो पढ़ने लग, ठीक है, तेरे स्कूल का कुछ मत कर। बाय द वे ये मेरी स्कूल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरफ से, सो व्हाट्स योर GF नेम, GF क्या होता है, अच्छा हाँ हाँ पता है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। और फिर है युद्र 27 करके, 77 करके, इसका सवाल पहले भी आ चुका था, अभी भी आ रहा है। ये कह रहा है व्हाट्स योर फोन नंबर,
अगर रिवील कर दिया तो मेरे को फोन कर करके परेशान कर डालेंगे, सो मैं नहीं रिवील करूंगा। सो ओके, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मेरे से पूछा गया है, वो है, मैं आपको बताता हूँ वो भी। हाँ ये रहा, वो इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि उसका जवाब मेरे को आता ही नहीं है। जी हाँ, और ये सवाल पूछा गया हमको हमारे दर्शित भाई की तरफ से। बिल्लो बग्गे बिले यादा की करेगी, बग्गे बग्गे बिले यादा की करेगी, व्लॉग बनाएगी, क्यों होने वाला। एंड देन हम लोग इस वीडियो को करते हैं एंड एक लास्ट सवाल की वजह से, मतलब लास्ट सवाल को लेकर जो कि हमको पूछा गया है जेपी रेड एट 12 की तरफ से, जो कि इंस्टाग्राम से ही है, और उन्होंने पूछा है क्यू एन ए। जी हाँ, वैसे मैं इस में से मैं इनका इंट्रोडक्शन आपसे जल्दी करवाऊंगा, तब तक के लिए आप वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।